मैं एक नया आइटम बनाने जा रहा हूँ जिसको कि आप किचन में अपने रसोई घरों में लेके पूजा घर में यूज कर सकते हैं, अपने ड्राइंग टेबल पे आप रख सकते हैं। इसका बहुत सारा यूज है सर। ये मैं नारियल का बाउल बना रहा हूँ। ये नारियल का बाउल बनाने के लिए एक नारियल को मैंने घिस के चिकना किया है। अब ये प्लेन करने के बाद इसको हम स्केचिंग करेंगे कि कहाँ से मेरा कौन सा भाग निकलना है। एक ही नारियल में मुझको नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट बनाना है, तो इसको हम स्केच पहले करते हैं सर। इसको ये स्केच करके एक भाग में ही इसका आगे का भाग निकाल दूंगा और उसके बाद मैं दूसरा स्केचिंग करता हूँ जो कि मेरे उपयोग में आएगा। ये दूसरा भाग जो है मेरे उपयोग में, ये आगे का भाग जो है सर, ये आगे का भाग जो है ये निकाल दिया जाएगा और ये भाग जो है इसको हम नीचे के पेंदा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ सर इसको कट कैसे किया जाता है। ये हेक्सा ब्लेड है, इससे मैं इसको कट करता हूँ सर। इसको सर अब हमने कट कर लिया, इसका ऊपर का भाग अलग कर दिया, एक टुकड़ा ये मैं निकाल लिया। इसको कट करने के बाद इसको बराबर ये बैठे, इसके लिए मैं इस सैंड पेपर पे घिसाई करता हूँ और ये घिसाई करने से ये जितना भी डस्ट निकलता है, इस डस्ट को हम लोग जमा रखते हैं। इस डस्ट से अभी मैं इसको चिपकाने का कार्य करूँगा सर। ये देखिए, पहले इसको ऊपर वाले भाग को मैंने घिस के तैयार किया था, इसको मैं गोड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पहले हमको देखना है कि ये बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होगा, ये मान लीजिए हम इसको 60 देते हैं, अगर ये बराबर नहीं होगा तो इसको हमको फिर से स्केच करके फिर से इसको हम बराबर करते हैं। अभी मैं तत्काल दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे इस एक दूसरे से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ठंड में थोड़ा सा इसको जमने में टाइम लगता है, गर्मी में ये तुरंत सूख जाता है। इसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि ये टांका मारे हैं। अब ये टांका जब सूख जाएगा तो इसके अंदर दूसरा चीज का इस धूल को मिला के दूसरे चीज से फिर मसाला बनाते हैं, उस मसाले को इसमें पेस्ट करते हैं। देखिए सर, ये पकड़ गया। अब इसको मैं इसका सारा मसाला इसमें भर के इसकी फिनिशिंग करूँगा। देखिए, अब ये बॉल पूरी तरह से बनके तैयार है।